मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी इस बार भी अपना मेयर नहीं बना पाई। बीजेपी ने एक बार फिर से चंडीगढ़ नगर निगम पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव में सांसद किरण खेर ने किंग मेकर की भूमिका निभाई। भाजपा मेयर उम्मीदवार अनूप गुप्ता को 15 वोट मिले। अनूप गुप्ता ने अपने कंपटीटर और आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार जसवीर सिंह लाड़ी को 1 वोट से हरा दिया। जसवीर को कुल 14 वोट मिले। आपको बता दें कि मेयर चुनाव में कुल 29 वोट पड़े, जहां आम आदमी पार्टी को 14 और बीजेपी को 15 वोट मिले, जिसमें 1 वोट सांसद किरण खेर का है, जबकि कांग्रेस के 6 पार्षदों और अकाली के 1 पार्षद ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव में भी बीजेपी ने जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी वालों प्रचार किया जा रहा है इन इलेक्शन मौके के उत्ते गुरबख्श रावत की एक फेक फोटो उन्होंने हसबेंड के गले च पटका पा के दिखाया गया कि कोई भ्रम फैल है, लेकिन अज उन्होंने सारे दावे झूठे हुए हैं कि कांग्रेस ने उन्होंने समझौता हो रहा है ये भ्रम फैलाया। उस तो बाद उन्होंने अकाली दल ना सब तरह के प्रलोभन दिते गए, छावड़ा जी को चेयरमैन लाया गया, सब चीज़ा की गई। इस बावजूद भी असं पहला कहा कि असी पार्टी सब नो वड्डी पार्टी है, 15 साढ़े वोट ने सानू 15 वोट पे, सू 14 वोट पर लगता नहीं हॉर्स हॉर्स तड़ा हॉर्स ट्रेडिंग के चार्जेस ला रहे थे, खरीद फरोख्त के चार्जेस ला रहे थे, सब चीज़ों का पर्दाफाश होया। बहुमत की जित हुई है, विकास की जित हुई है, स्थिरता की जित हुई है। बीजेपी ने चंडीगढ़ नगर निगम पर अपना कब्जा कायम रखा है। देखना अब ये होगा कि बीजेपी साल 2023 में लोगों के हित में कितना काम करती है। टोटल टीवी के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट।